नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन ऑफ ए टेंसर। एग्जैक्टली हमने पिछले लेक्चर के अंदर हमने ये पढ़ा था कि किसी स्पेशल केस के अंदर कोई भी जो ट्रांसफॉर्मेशन है आपका जो टेंसर का वो एग्जैक्टली हो सकता है, लेकिन वो किसी स्पेशल केस में हो सकता है। वहां हमने देखो एग्जैक्टली सेकेंड डेरिवेटिव निकाला था, हमने ये बोला था कि इस सेकेंड डेरिवेटिव का यूज एग्जैक्टली हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो देखो कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन जो है एग्जैक्टली इससे पहले हम क्या करते थे, पार्शियल डिफरेंशिएशन करते थे, ठीक है। नहीं देखो, वी जनरली यूज पार्शियल डिफरेंशिएशन फॉर स्केलर। किसी का भी हम जब डिफरेंशिएट करते क्या करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। और पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या होता था, वो किसी एक फैक्टर पर डिपेंड करता था, एक फैक्टर से वो इंडिपेंडेंट रहता था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कि कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन ऑलवेज प्रोड्यूस अ टेंसर ऑफ वन ऑर्डर हायर इन कोवेरिएंट इंडिसेस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप मान लिया इसका आप अगर टेंसर कर रहे हो, आप अगर इस टेंसर का आप अगर कोई भी कोवेरिएंट डेरिवेटिव कर रहे हो आप अगर, तो इससे एक हायर ऑर्डर का यानी कि यही वन ऑर्डर का है, तो वहां पे क्या मिलेगा आपको, सेकंड ऑर्डर का, ठीक है। एक हायर ऑर्डर का आपको टेंसर वहां पर प्रोड्यूस हो जाएगा, वो किससे होता है, कोवेरिएंट जो आपका है डिफरेंशिएशन से। अब एग्जैक्टली क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई वी डिड कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन इंस्टेड ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन, यानी कि हम पहले पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज करते थे, अब हम कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन क्यों यूज करते हैं, ठीक है। इसका आंसर देखो मैंने एग्जैक्टली क्या दिया है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर या टेंसर आर नॉट कंपोनेंट ऑफ टेंसर, यानी कि अगर किसी भी टेंसर या किसी भी वेक्टर का अगर मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन करता हूं अगर, तो एग्जैक्टली क्या होगा, उसका जो रिजल्ट बनेगा वो एग्जैक्टली वेक्टर या टेंसर नहीं होता है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन केवल स्केलर के लिए ही वैलिड होता है, ठीक है। So that we use covariant differentiation. इसलिए हम क्या करते हैं, covariant differentiation use करते हैं, क्योंकि partial differentiation यहाँ पे work नहीं करता है। अब देखो एक चीज़ हम करते हैं, देखो कि covariant differentiation of a covariant vector, ठीक है। यहाँ पर एक covariant vector दे दिया, या फिर ऐसे कह सकते हो आप पे वन रैंक टेंसर भी कह सकते हो, ठीक है। यह है ए आपका जो covariant ए आई, ठीक, किसी आई इंडिसेस के लिए ये ट्रांसफर हो रहा है आपके एपी में, और ये कोवेरिएंट लॉ को फॉलो कर रहा है ट्रांसफॉर्मेशन को। अब देखो मैं करता हूं डिफरेंशिएट करता हूं, ठीक है, लिखा है कोवेरिएंट डेरिवेटिव, डेरिवेटिव से निकलेगा डिफरेंशिएशन करने से, ठीक है। तो यानी कि डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स जे, मान लिया मैंने एक्स जे के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना, ठीक है। इस कंडीशन में प्रोजेक्टली मैं क्या करूंगा, यहां देखो प्रोजेक्टली डिफरेंशिएशन ऑफ ए आपका आई विद रेस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स जे, क्लियर हो गया। देखो प्रोजेक्टली यहां पर क्या होगा, यहां पर दोनों जो कंपोनेंट्स जो हमारे मिल रहे हैं, ए पी जो कोवेरिएंट डेरिवेटिव है, और ये जो ये दोनों क्या है आपके, वो इसके ऊपर दोनों इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट देखो मैं इसका डिफरेंस करता हूं, ए डिफरेंशिएशन ऑफ ए पी विद रेस्पेक्ट टू, ठीक है, डेल्टा एक्स आपका जे, क्लियर हो गया। मैंने तो दोनों स्पेस खाली छोड़ दी, क्यों छोड़े मैंने, क्योंकि मेरे को आगे जब मैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा तो मुझे एग्जैक्टली वहां पर एक डिफरेंशिएशन की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे मैं ऑलरेडी यहां पर ऐड कर रहा हूं, उसका मैं आपको रीजन दूंगा मैंने आपको क्यों ऐड किया। दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपका सिंबल वही बचेगा और आपका ये बना रहेगा, ठीक है, डेल्टा एक्स पी और आपका डेल्टा एक्स और आई, क्लियर हो। अब इसका डिफरेंशिएशन हो गया, ये आपका कॉन्स्टेंट रहा, प्लस अब आपका इसका डिफरेंशिएशन होगा, ये आपका कांस्टेंट रहेगा, यानी ए पी एग्जेक्टिव ऐसा रहेगा और आपका यहाँ पर डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है, एक्स पी विथ रेस्पेक्ट टू ऑलरेडी एक डिफरेंशिएशन एक्स आई के साथ है इसका, और मैंने एक्स जे के साथ डिफरेंशिएशन और कर दिया, क्लियर हुआ। आप देखो इसे फर्दर सोल्व करने के लिए एक प्रॉब्लम है, यहाँ देखो डबल डेरिवेटिव आ गया है, ठीक है, किसका, किसी भी इंडिसेस का। तो डबल डेरिवेटिव के लिए एग्जैक्टली हमने ये एक लेक्चर सोल्व किया था, वहां हमने एक फाइनल आउटकम निकाला था, वही आउटकम का यूज हम एग्जैक्टली यहां पर करेंगे। तो एग्जैक्टली देखो इस डबल डेरिवेटिव की जो डेफिनेशन क्या होगा, देखो ये आपका एक्स पी आपका और एग्जैक्टली ये होगा डेल्टा एक्स आई आपका डेल्टा एक्स जे आपका, ठीक है। इसका जो एग्जैक्टली सोल्यूशन जो निकाला इस लेक्चर को एक बार आप जरूर देखना और आपको गेट होगा कि एग्जैक्टली सोल्यूशन किस प्रकार निकाला जाता है, ठीक है। देखो एग्जैक्टली इसका सोल्यूशन किस प्रकार, मैंने एक्चुअली इसको रिमेंबर कर रखा है, तो ये होगा देखो डेल्टा एच पी, ठीक है, और डेल्टा एक्स आपका एच आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका एच आपका आई आपका और आपका जे, ठीक है, माइनस आपका यहाँ हो जाएगा आपका जो है वो डेल्टा एक्स एल डेल्टा एक्स एम आपका डेल्टा एक्स आई आपका डेल्टा एक्स आपका जे,
क्लियर हो गया। और यहाँ पर लगेगा ये आपका एल और आपका एम, और ये आपका जो है वो पी एग्जैक्टली यही रहेगा। इस प्रकार एग्जैक्टली इनका क्या हो सकता है, हम लोग उसको एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे एग्जैक्टली इसी इक्वेशन के डायरेक्टली हम यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, देखो मेरे नेक्स्ट सेक्शन क्या बनेगा एग्जैक्टली यहाँ से, डेल्टा ए आई आपका डेल्टा जो एक्स आपका जे होगा इक्वल टू आपका यहाँ से देखो एग्जैक्टली ये ऐसा कैसा रहेगा आपका ए पी डेल्टा एक्स एम आपका डेल्टा एक्स एम और आपका डेल्टा एक्स आपका जे और आपका डेल्टा एक्स आपका पी और डेल्टा एक्स होगा। क्लियर हो गया, यहाँ देखो एग्जैक्टली प्लस होगा आपका ए पी आपका और इसका एग्जैक्टली मैं यहाँ से इसकी वैल्यू को एग्जैक्टली पुट कर दूंगा। ठीक है, तो ए पी पहले यहाँ है, पहले पी यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा आपका यहाँ से एच आई आपका जी। ठीक है, और डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स पी विथ रेस्पेक्ट टू आपका एच और एच। क्लियर हो, फिर एग्जैक्टली यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा माइनस आपका। ठीक है, और हाँ ठीक है माइनस आपका और यहाँ से हो जाएगा एग्जैक्टली आपका ये है ना पी आपका एल और एम आपका। ठीक है, और यहाँ से आप डॉट में लिख सकते हो आपका एक्स एल आपका डेल्टा एक्स आपका एम आपका और यहाँ से डेल्टा एक्स आई और डेल्टा एक्स जी। ठीक है, और आपका ए और पी एच, ये एग्जैक्टली इस प्रकार हमने इसको इक्वेशन को लिख दिया। अब देखो एग्जैक्टली हम इसकी नेक्स्ट जो इक्वेशन लिखेंगे इसमें क्या करेंगे, देखो कुछ नोटिस करते हैं हम लोग। देखो यहाँ देखो एग्जैक्टली एक्स एम और आई जी सुनो एक्स जी। ठीक है, यहाँ पे देखो आपका एक्स एम और आपका एक्स जी इनकी ये दोनों कंप्यूटर आपके सेम है, लेकिन देखो एग्जैक्टली ये दोनों कंप्यूटर सेम नहीं आ रहे, दिख रहा है क्लियर आपको, यानी कि ये पी का कंपोनेंट आ रहा है ये आपका एल का कंपोनेंट है। हम क्या करेंगे डमी इंडिसेस को चेंज करेंगे, और इंडिसेस कैसे चेंज करेंगे हम लोग, हम लोग चेंज करेंगे पी इंडिसेस को एल में, यानी कि यहाँ पर जो पी इंडिसेस है इसको एग्जैक्टली एल में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, डमी इंडिसेस मान करके। ठीक है, तो एग्जैक्टली देखो मैं क्या करूंगा इसको पहले मैं इधर सेंड करूंगा। ठीक है, यहाँ देखो एग्जैक्टली ए आपका आई आपका विथ रेस्पेक्ट टू एक्स आपका जे। ठीक है, माइनस या इधर है क्या आपका ए और आपका पी बनेगा आपका। ठीक है, और यहाँ एग्जैक्टली आपका एच और आपका आई आपका और आपका जे, और इसको एग्जैक्टली को आप इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, पी और आपका एच। क्लियर हुआ, यानी कि ये इतना पार्ट हमारा काम हो गया। अब देखो यहाँ क्या करना मुझे इन डमी इंडिसेस को चेंज करना है। देखो एग्जैक्टली यहाँ पर ये वाली चीज एग्जैक्टली फर्स्ट मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, ए पी अपॉन आपका डेल्टा एक्स एम। क्लियर हुआ, यहां मैंने क्या किया इंडिसेस को चेंज किया, P से किस में कन्वर्ट किया L से L में कन्वर्ट किया, तो यहाँ क्या हो जाएगा एग्जैक्टली आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका एग्जैक्टली L हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा एग्जैक्टली आपका L हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका L हो जाएगा। ऐसा होते ही क्या होगा ये पूरा जो पैरामीटर है जो आपका पूरा ये इसके बराबर हो जाएगा, देख रहे हो आप लोग। ठीक है, और ये चीज कॉमन ली जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ से एग्जैक्टली ये आ गया आपका, फिर यहाँ से देखो माइनस आपका, फिर ये हो जाएगा आपका P, आपका L, आपका M, और यहां से वो एग्जैक्टली बाकी सब कॉमन आ जाएगा। ठीक है, डेल्टा X, M विद रेस्पेक्ट टू डेल्टा X, J आपका और डेल्टा X, L विद रेस्पेक्ट टू डेल्टा X, I। क्लियर ना, अब देखो एग्जैक्टली इस पूरी इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करते हैं हम लोग, इस ऑपरेटर को इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। ठीक है, यहां से एग्जैक्टली डिफरेंशिएशन ऑफ ए आई और डेल्टा एक्स जे माइनस ये जब इसके ऊपर अप्लाई हो क्या होगा एग्जैक्टली यहाँ पर ये हो जाएगा आपका ए और आपका एच हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा आपका एच आपका आई आपका और आपका जे, ये एक कंपोनेंट बन गया। क्लियर हुआ, और यहाँ से देखो एग्जैक्टली ये हो गया एग्जैक्टली। ठीक है, तो एग्जैक्टली वैसा वैसा लिखा जाएगा एग्जैक्टली डेल्टा ए एल अपॉन डेल्टा एक्स एम। ठीक है, माइनस आपका ये हो जाएगा आपका जो आपका ए पी है यहाँ जो मैंने छोड़ दिया था उसको एग्जैक्टली मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ए पी आपका। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा आपका ए और पी आपका और यहाँ हो जाएगा आपका पी और आपका एल और आपका एम। क्लियर हुआ, और ये एग्जैक्टली वैसा वैसा रह जाएगा। ठीक है, डेल्टा एक्स एम डेल्टा एक्स एल आपका और आपका यहाँ से डेल्टा एक्स जे और डेल्टा एक्स आई। क्लियर हुआ, अब देखो एग्जैक्टली ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको फॉलो कर रहे हैं। देखो हमने क्या किया आई का डिफरेंस जे के रेस्पेक्ट में किया ये पार्ट मिला, और देखो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन नंबर दोनों क्या हो रहे एग्जैक्टली फॉलो हो रहे हैं कोवेरिएंट के अंदर। ठीक है, अब देखो इस इन दोनों कंपोनेंट्स को देखो एग्जैक्टली यहाँ पे आई ए आई का डिफरेंशिएशन है एक्स जे के रेस्पेक्ट में, यहाँ पे ए एल का डिफरेंशिएशन है
एक्स एम के रेस्पेक्ट में, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ पर ए एच एक को वेरियंट है, यहाँ भी देखो ए पी एक नया को वेरियंट है, ठीक है। यहाँ पे देखो जहां ये पर एच लगा हुआ है यही यहाँ पर एच है, ये जो यहाँ पी है यही जिक यहाँ पी है, ये जो आई और जे यहाँ पर है वही आई और जे यहाँ पर है, और यही एल एम यहाँ यही एल एम एक्जेक्टली आपके यहाँ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों कंपोनेंट एक्जेक्टली सेम है, ठीक है, किसमें, इंडिसेस में। तो इसको मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको इसमें ऐसे लिखता हूँ डेल्टा आई, ठीक है, कोमा कोमा लगा दिया मैंने, और डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जे, ठीक है, कोमा लगा मैंने, क्या क्या जे लगा दिया, ठीक है। ये किसके बराबर हुआ एक्जेक्टली, ये पूरे इस कंपोनेंट के बराबर हुआ, यानी ये किसके बराबर हुआ आपका, ये बराबर हुआ आपका डेल्टा ए आई आपका, और आपका डेल्टा एक्स जे आपका, और माइनस आपका ए एच आपका, और आपका यहां से हो जाएगा एच आपका और आई आपका और जे, क्लियर हुआ। सिमिलरली ये भी क्या था, ए आर का डिफरेंस लिख सकते हैं एक्स एम के साथ में है, यानी देखो देखिए ये हो जाएगा आपका ए एल कोमा डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू एम हो जाएगा, क्लियर हुआ। और ये किसके बराबर हुआ एक्जेक्टली आपका, ये एक्जेक्टली बराबर हुआ आपके यहाँ से डिफरेंशिएशन ऑफ ए एल विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंस ऑफ एक्स एम, ठीक है, और माइनस आपका ए पी और आपका आपका यहाँ से पी और आपका एल और एम, क्लियर हुआ, ठीक है। यानी कि एग्जैक्टली किसी भी चीज का, अगर किसी भी कोवेरिएंट वेक्टर का हमें अगर डिफरेंशिएशन करना है अगर, तो वो एग्जैक्टली इस प्रकार लिखा जाएगा, जिसमें क्या होगा, जिसमें एक रैंक उसकी क्या होगी, बढ़ जाएगी, जो एग्जैक्टली हमने यहां पर मेंशन किया। तो एग्जैक्टली हमने इस पूरे लेक्चर में हमने कोवेरिएंट जो है हमारा जो डिफरेंशिएशन है वो ऑपरेट किस पे किया, हमारे टेंसर के ऊपर, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एग्जैक्टली हम कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर का यही सेम कोवेरिएंट हम लोग डिफरेंशिएशन निकालेंगे। थैंक यू।